दुर्ग के कोल्हापुर स्थित छत्रपति शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 3 दिवसीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। दुर्ग भिलाई में पहली बार फार्मेसी के मेगा जॉब फेयर कैंप का आयोजन और इंजीनियरिंग के पास आउट स्टूडेंट के लिए जॉब कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें 25 से 27 जून तक चल रहे इस कैंपस की खास बात यह है कि इसमें डिफेंस से जुड़ी कुछ कंपनियों ने अप्रोच किया है। इन कंपनियों के गोवा में प्लांट हैं जहां जॉब की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा पुणे की विंड एनर्जी पर काम करने वाली कंपनियां भी आई हैं, जो इंजीनियरिंग के पास आउट स्टूडेंट से चर्चा कर उनके लिए जॉब ऑफर कर रही हैं। वहीं फार्मेसी के मामले में 9 कंपनियां भी पहुंची थी। साथ ही इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे। इस दौरान कैंपस में 3 दिनों में 2500 से ज़्यादा पास आउट स्टूडेंट पहुंचकर फार्मेसी के मेगा जॉब फेयर कैंप में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर कॉलेज के चेयरमैन अजय प्रकाश वर्मा ने बताया कि ट्विन सिटी में यह पहला अवसर है जब फार्मेसी के लिए इस प्रकार का मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। इसका लाभ हमारे दुर्ग भिलाई और आसपास के ग्रामीण बच्चों को मिल रहा है। गौरतलब है कि CSIT इंजीनियरिंग के साथ फार्मेसी कैंपस छत्रपति शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 3 दिवसीय मेगा जॉब ऑफर का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे राज्यों के विभिन्न स्थानों से उम्मीदवार उपस्थित हुए। इस जॉब फेयर में उपस्थित हुए उम्मीदवार काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको अपने भविष्य संवारने का सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है। आज का यह प्लेसमेंट BTEC डिप्लोमा, ITI एवं MCA क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न कंपनियों CSIT कैंपस में रिक्रूटमेंट हेतु शिरकत की है। वहीं छत्रपति शिवाजी ग्रुप के चेयरमैन अजय प्रकाश वर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले समय में इस महाविद्यालय में देश के और भी जानी मानी कंपनियां कैंपस रिक्रूटमेंट हेतु आमंत्रित किया जाएगा। नतीजतन CSIT CSIP के विद्यार्थियों के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। मेगा जॉब ऑफर का समन्वयन ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट विभाग द्वारा किया गया है। 3 दिवसीय इस मेगा जॉब फेयर के आयोजन को लेकर CSIT के मीडिया विभाग के प्रभारी राजीव नायर ने बताया कि इस मेगा जॉब फेयर में प्रोफेसर संजय सिंह डीन, कमलेश उपाध्याय, आलोक मोहंती, सुश्री लवीना जगने, अनमोल भारद्वाज एवं अन्य संकाय और स्टाफ सदस्य शामिल थे। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी कुछ इस प्रकार व्यक्त की है। देखिए, हमारे महाविद्यालय के द्वारा लगभग 25 जून से लेकर 27 जून तक इस मेगा जॉब फेयर का आयोजन करवाया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग के भी बच्चे हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के भी बच्चे हैं और ITI के भी लोग हैं। इवन यहाँ तक कि साइंस टीम के जो BSc के बच्चे वो भी हैं, और फार्मेसी में चाहे एम फार्मेसी हो, चाहे बी फार्मेसी है, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी है, उनके सारे बच्चों का यहाँ पर मेगा जॉब फेयर के रूप में एक 25 जून से लेकर 27 जून तक ये 3 दिन का सेशन आयोजित कराया गया। आज इसका अंतिम दिन है और आज का दिन जो है वो पूरा का पूरा फार्मेसी को समर्पित है। फार्मेसी में संबंधित जो कंपनीज़ यहाँ पर आई हैं, उन कंपनीज़ के द्वारा आज प्लेसमेंट का शिविर आयोजित। अक्सर ये बातचीत समाज में चलती रहती है कि टेक्निकल एजुकेशन, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो फार्मेसी हो, बच्चों को ये नहीं पता चल पाता कि आखिरकार वो इन क्षेत्रों में किन किन जॉब्स को पा पाते हैं। और इस जैसे एक फार्मेसी का क्षेत्र है, फार्मेसी के क्षेत्र में उनको मैन्युफैक्चरिंग भी है, उनको मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी है, या उनकी जो मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं या क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें, उनको कहाँ कहाँ पर किस किस क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है, इस बात की जानकारी जनरली समाज में बच्चों को पर्याप्त नहीं है। इसीलिए और सेम एज़ द केस विद द इंजीनियरिंग, सेम एज़ द केस विद द डिप्लोमा एंड ITI,
तो इसी के नाते हम लोगों ने इस जॉब फेयर को इसलिए भी आयोजित कराया कि और इसे ओपन रखा, नॉट फॉर ओनली आवर कॉलेज, बल्कि हमने इसको छत्तीसगढ़ और बाहर के भी सारे कॉलेज के लिए ओपन किया, ताकि बच्चों के अंदर इस बात की जागरूकता बढ़े कि टेक्निकल एजुकेशन में उन पर उनके पास काम करने के बहुत सारे मौके हैं। ये अलग बात है कि वो अपने आप को इस लेवल तक लेके जाएं जिससे कि इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ उनको रिक्रूट कर सकें। तो इससे क्या होता है, एक सकारात्मक माहौल बनता है, और ख़ासकर छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में जहाँ पर लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, हम छत्तीसगढ़ी लोगों के बारे में सोचते हैं कि हम अच्छा काम नहीं कर सकते या हमारे यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ये भी हम कह लीजिए कि इस धारणा को भी हम तोड़ना चाहते थे। इसीलिए हमने चाहे बेंगलोर हो, चाहे वो पूना हो, चाहे वो मुंबई हो, या इन इस प्रकार के जो प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हैं, इस यहाँ से हमने कंपनीज़ को बुलाया कि वो कम से कम छत्तीसगढ़ में आए और छत्तीसगढ़ के बच्चों को देखें कि आखिरकार वो बच्चे जो हैं वो अपने आप को कितना प्रतिस्पर्धी बनाने लायक हैं। तो जहाँ तक प्लेसमेंट का सवाल है, मेरे हिसाब से अभी जो मैंने आज की जानकारी ली है उसके हिसाब से कुछ 50 से ऊपर इंटरव्यू हो चुके हैं, और ये इंटरव्यूज़ लगभग मेरे हिसाब से शाम तक चलते चलते 150 के आसपास कंप्लीट होंगे। पिछले दो दिनों में हम लोगों ने लगभग 200 से 250 आदमी को प्लेस्ड आउट कराया है, और आज फार्मेसी में तो संख्या लगभग 350 छात्रों की थी, छात्र छात्राओं की थी, जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे, और जिसमें उन लोगों ने लगभग 150 के आसपास रिक्रूटमेंट प्लान आउट किया। लेकिन जाइडियस और सर्किल 13 या वेलनेस फॉल रेवर और आपकी फोर्टिस, इस तरह की कंपनीज़ का छत्तीसगढ़ में आना और छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेने में रुचि दिखाना, ये अपने आप में शायद मेरे हिसाब से पहली बार हो रहा है। तो इसको लेकर हम गौरवान्वित भी फील कर रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाने में सक्षम हो पा रहे हैं, और दूसरा ये भी है कि इसी के माध्यम से कम छत्तीसगढ़ के जो बच्चों की स्वीकार्यता है या उनका एक्सेप्टेंस है वो समाज में बेहतर आएगा। जॉब फेयर अरेंज किया फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स के लिए, और ये पहली बार छत्तीसगढ़ में फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स के लिए सर, सारे ब्रांच सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए, सारे कॉलेज के बच्चों के लिए सर। इस पूरे इवेंट में सर मध्य प्रदेश से सर, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से सर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सर मेरे ख्याल से कोरबा, बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर, सारे जगह के सर बच्चे लोग आए हुए हैं। टोटल सर 9 कंपनियां इस पूरे कैंपस ड्राइव में आई हुई सर जॉब फेयर में, जिसमें करीब करीब सर 12 प्रोफाइल के लिए सर लोग हायरिंग्स कर रहे हैं। टोटल सर रजिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो करीब करीब सर 1500 प्लस रजिस्ट्रेशन सर हुए थे इसमें, और ये रजिस्ट्रेशन सर हम लोग को एक हफ्ता पहले बंद करना पड़ा था क्योंकि हमारा टारगेट कम था। लेकिन आज सर जब हम लोगों ने सवेरे जब ओपन किया तो करीब करीब सर 200 से 250 बच्चे सर जो थे सर वो स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए आए हुए थे। तो पहले हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम उनको इंटरटेन नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन बाद में जब मेरी एचआर सर लोगों से बात हुई और उन लोगों से रिक्वेस्ट करने पर सर उन्होंने उनको भी कंसिडर किया, तो करीब करीब सर 1750 बच्चे के आसपास सर आज के पूरे ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए हो रहा है सर। टोटल यहाँ पर सर 4 राउंड्स हुए हैं। तो सबसे पहले सर हर बच्चों को पूरा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, पैकेज के बारे में बताया गया है। इसके बाद सर हर एक बच्चों का सर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया गया सर, रिटन टेस्ट जो एप्टीट्यूड बेस्ड था। उसके बाद सर बच्चों का ग्रुप डिसीशन किया गया है और उसके बाद सर बच्चों का पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है, जिसके बेस पर सर फाइनल रिजल्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें सर डी फार्मा, एम फार्मा, बी फार्मा, ITI, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, BSc, MSc और MBA के बच्चे लोग सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है सर, और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का पार्टिसिपेशन हम लोग हर साल करेंगे ताकि बच्चों को इसका। मैं शिप्रा मिश्रा CSIP की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे कैंपस ड्राइव हुआ है यहाँ, जिसमें 9 कंपनीज आई हैं और यहाँ का सारा प्रोसीजर्स बहुत अच्छी तरह से हुआ है, जिसमें हम लोग का पहला GD राउंड था जिसमें शॉर्टलिस्टिंग हुआ है, उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आगे आप इसको कैसे देखते हैं, अपॉर्चुनिटी को कैसे आपके फ्यूचर? मैम ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है, हमारे कैरियर बिल्डअप करने में हमारी हेल्प भी करता है,
आप पहले बार दे रहे हैं, इससे पहले भी आपने ऐसा कुछ ज्वाइन किया है? मैम इससे पहले मैंने दिया था पर मैं कुछ रीजंस के कारण ज्वाइन नहीं कर पाई। ये मेरे कॉलेज कैंपस में है और प्लस यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, इसके कारण मैंने इधर लिया। CSIP दुर्ग का छात्र हूँ। यहाँ पे आज हमारा कैंपस ड्राइव, आज हमारे कॉलेज में कैंपस ड्राइव था जिसमें हमको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, बहुत सारी कंपनियों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की मौका मिला। हम लोग अपने आप को बहुत लकी मान रहे हैं कि आज हम इस इंस्टीट्यूट के छात्र हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट के भी छात्र यहाँ पे आज उपलब्ध हैं। बाकी सभी को यहाँ पे ओपन ड्राइव में मतलब मौका मिल रहा है यहाँ पे। जी मौके को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी, एक करियर के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों को करियर बिल्ड करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ से हम भविष्य में आगे बढ़ पा रहे हैं। ये एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है सब जगहों पे। आज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैम यहाँ पे मेट्रोस कंपनी के लिए भी हायरिंग आई है और हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम मेट्रोस कंपनी में रहें, मेट्रोस सिटी में रहें, वहाँ के रहन सहन जो वहाँ का वो है कल्चर है हम उसको ऑब्जॉर्व करें और अपने आप को बिल्ड करें, उस हिसाब से अपना फ्यूचर बनाएं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।